पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल अपने गानों और फिल्मों को लेकर खूब पसंद किए जाते हैं। उन्होंने बेहद मेहनत के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे सफल हस्तियों में गिने जाते हैं। हाल में गिप्पी ग्रेवाल ने म्यूजिक इंडस्ट्री में 2 दशक पूरे कर लिए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में की थी, लेकिन उनके फैंस ये नहीं जानते कि अपने करियर की शुरुआत में आने से पहले गिप्पी ग्रेवाल को जीवन में बहुत संघर्ष किया है। वो कनाडा में रहा करते थे, जहां वो लोगों के घरों में टॉयलेट साफ किया करते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी ने भी जीवन में उनका खूब साथ दिया। गिप्पी ग्रेवाल की पत्नी का नाम रवनीत कौर है, जिनके साथ उन्होंने कनाडा में 3 काम किए, जिनके बारे में आपको जानकर काफी हैरानी होगी। कनाडा में रहने के दौरान वो आर्थिक तौर पर काफी कमजोर थे, जिसके चलते एक्स्ट्रा इनकम के लिए गिप्पी ने वहां टॉयलेट तक साफ किए। इतना ही नहीं, वो अपने पत्नी के साथ न्यूज़पेपर तक बांटा करते थे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया, साथ ही कनाडा में बिताए बुरे दिनों को भी याद किया। इंटरव्यू में गिप्पी ने बताया कि ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमें टॉयलेट की सफाई करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये एक छोटा काम है जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। पोछा लगाना भी शामिल था। सिंगर ने बात करते करते हुए बताया कि मैंने टॉयलेट साफ किया करता था, मुझे वो करना था और मुझे लगता था कि ये एक आम सी बात है जिससे करने में मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिलती थी और मैं इसे खुशी खुशी करता था। उन्होंने आगे बताया कि हम खुश थे, हम पति पत्नी सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे और अखबार बांटते थे।